हमारे सबके परम पूज्य महाराज साहब तथा महारानी साहब, इन्होंने अपनी दृष्टि आत्म साक्षात्कार के ओर लगाई है। ये आप जयपुर वासियों का हो भाग्य है कि आपके नसीब से इस तरह के ऊंचे श्रेणी के लोग आपके राजा और रानी हैं। वाकई में आप जानते नहीं कि आजकल के ज़माने में इस तरह के लोग इस पद पर मिलना बहुत कठिन है। मैं आप सब सत्य को खोजने वाले साधकों को प्रणाम करती हूँ। आप सबको एक संदेश देना है कि सत्य जो है वो अपनी जगह जैसा है वैसा अनंत से बैठा हुआ, और सत्य क्या है इसे हमें जान लेना चाहिए। एक तो बात यह है कि हमारे बारे में सत्य यह है कि हम सब आत्मा स्वरूप है। ये शरीर, बुद्धि, संस्कार, अहंकार आदि सबसे परे हम आत्मा स्वरूप हैं। और दूसरा सत्य यह है कि ये सारे सृष्टि की चालना, इसका सारा जीवित कार्य तथा संसार की उत्क्रांति, ये सारा ही कार्य करने वाली जो शक्ति है वो परमपिता परमात्मा की इच्छा शक्ति है, जो चारों तरफ छाई हुई है, सूक्ष्म रूप से अपने कार्य को करती रहती है और जिसको हम लोग अनुभव नहीं कर सकते। ये शक्ति सोचती है, विचारती है, पूरा कार्यक्रम बनाती है और व्यवस्थित रूप से सारे संसार को चला रही है। लेकिन हम लोग अपने अज्ञान में अभी तक इसे अनुभव में नहीं ला सके, लेकिन अब समय आ गया है कि हम इसे जान सकते हैं और अपने नसों पर, अपने उंगलियों पर इसे हम अनुभव कर सकते हैं। यह स्थिति आज आ गई है क्योंकि अब कलयुग खत्म होकर के कृतयुग शुरू हो गया। परम चैतन्य सुप्तावस्था में था एक तरह से, लेकिन कलयुग के बाद अब कृतयुग में आने से कार्यान्वित हो गया है, और इसके कार्य के कारण ही आज हजारों लोग संसार में आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो रहे। फिर ये तो हमारे देश का धरोहर है, ये सब कुछ मैं आज बता रही हूँ ऐसी बात नहीं, हजारों वर्ष पूर्व भी मार्कंडेय स्वामी से लेकर के आज तक हजारों संत साधुओं ने सबने यही बताया कि कुंडलिनी का जागरण होने से ही मनुष्य उस स्थिति को प्राप्त होता है जहाँ उसका योग घटित होता है। योग होता है उसके चित्त का और उस सूक्ष्म सृष्टि का, उस सूक्ष्म शक्ति का, यही असल में योग है और इसे सहज ही होना चाहिए। गुरु नानक साहब ने कहा है सहज समाधि लाओ, सहज, सहज, सह माने आपके साथ, ज माने पैदा हो। तो इस योग का अधिकार आपका जन्मसिद्ध है, आपके हरेक के त्रिकोणाकार अस्थि में ये कुंडलिनी स्थित है। इसको कुंडलिनी इसलिए कहते हैं कि ये 3.5 कुंडलों में विष्ठित है और अभी सुप्तावस्था में है एक तरह से, लेकिन ये आपकी शुद्ध इच्छा है, बाकी जितनी भी इच्छाएँ अशुद्ध हैं, क्योंकि एक इच्छा पूर्ण होने पर भी हमें समाधान प्राप्त नहीं होता। हम अनेक समाधान ढूंढते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि इससे समाधान हो जाएगा, वो भी नहीं होता। इसी एक योग से ही मनुष्य समाधान को, शांति को प्राप्त होता है। ये कुंडलिनी जब जागृत होती है तो ये 6 सूक्ष्म ऐसे हमारे अंदर बसे हुए चक्रों में से गुजरते हुए उनको प्लावित करती है पूरी तरह से, और उसकी वजह से हमारे अंदर के अनेक दोष नष्ट हो जाते हैं।
सबसे पहले तो हमारे शारीरिक जो तकलीफें हैं वो दूर हो जाती। ऐसे ऐसे चमत्कार घटित हुए हैं कि हम ही खुद हैरान हैं कि इतने जोरों में इसका कार्य कैसे हो रहा है। कैंसर जैसी बीमारियां, जिन बीमारियों का कोई इलाज नहीं दुनिया में, पागलपन जैसी बीमारियां और अनेक तरह की बीमारियां जिनका कोई इलाज नहीं है, एकदम ठीक हो सकती हैं। अभी हम ऑस्ट्रेलिया गए थे, ऑस्ट्रेलिया में एड्स के 2 पेशेंट्स को 10 मिनट में आराम आ गया। ये सब उनकी ही शक्ति है। आपकी अपनी शक्ति जब जागृत होती तब आप अपने ही शक्ति के कारण इसे प्राप्त करते। इसके बारे में अनेक लोगों ने लिखा है, कहा है, लेकिन आजकल के ज़माने में कुछ अंग्रेज़ या जर्मन लोग यहाँ आए और वो किस गलत तांत्रिकों के पास गए और उनसे सब गलत सलत बातें सीख करके उन्होंने इसके बहुत खिलाफ़ लिखा, उसके विरोध में बातें लिखी कि कुंडलिनी के जागरण से बड़ी तकलीफ होती है, ये होता है, वो होता है। लेकिन ऐसा तो किसी भी संतों ने लिखा नहीं। ये सिर्फ आजकल की नई चीज़ निकली है जिससे कि मनुष्य आत्म साक्षात्कार की ओर न जाए और न ही इसको प्राप्त करें। अब कुंडलिनी आपकी अपनी माँ है और ये आद्या शक्ति की प्रतिबिंब स्वरूप आपके अंदर बसी हुई आपकी माँ है, अपनी व्यक्तिगत अकेली माँ है और वो आपके बारे में सब कुछ जानती है। वो जानती है कि आपने कौन सी परेशानियाँ उठाई हैं, कौन से मार्ग से आप गए हैं, कौन सी आपके अंदर बाधाएं हैं, वो सब कुछ जानती है। जैसे टेप रिकॉर्डर होता है उस तरह से इसमें सब कुछ निहित है। जब वो जागृत होती है तब आजकल के ज़माने में तो कमाल है कि खट से जागृत हो जाती है, कुछ करना ही नहीं पड़ता। लेकिन दूसरे इसका लाभ ये है कि मनुष्य शांति को प्राप्त होता है, जो अपने अंदर शांति है, जो शांति का सागर है उसमें डूबने लग जाता है। वो शांति को प्राप्त हो जाता है जो विचारों का हर समय उसमें संघर्ष चलते रहता है, वो ठहर के वो निर्विचार समाधि में उतर जाता है। उसके हाथ में से ही ये शक्ति बहना शुरू हो जाती है और इसके कारण उसमें भी वो शक्ति आ जाती है जिससे ये दूसरों को भी जागृत कर सकता है। मानो कि एक दीप जला हुआ दूसरे दीप को जला सकता है और फिर वो जला हुआ दीप और दीपों को जला सकता है। इस तरह से आप हर आदमी जब इसमें जम जाता है, जहाँ पर उसे हम कहते हैं निर्विकल्प में आ जाए, मतलब दूसरी स्थिति में आ जाए, उस वक्त वो स्वयं ये कार्य कर सकता है। और इसीलिए ये कार्य शुरू हुआ बिल्कुल एक ही स्त्री की तरफ से। मैंने एक ही स्त्री पर पहले कार्य किया था, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज इतना प्रगल्भ हो गया, इतना बढ़ गया है कि मुझे स्वयं आश्चर्य होता है कि रशिया जैसे देशों में हजारों लोग पार हो गए और इतने गहरे बैठ गए हैं। उनको तो परमात्मा का नाम भी लेना मना था, उसी धर्म की बात करना भी मना था, गणेश जी का उनको ग भी नहीं मालूम था, आज वो गणेश की स्तुति गा रहे हैं। तो हिंदुस्तान की जो विशेषता है, हमारे भारतवर्ष की वर्ष की जो विशेषता, जो संपदा है, वो है कि हमारे पास इस बड़े वृक्ष के मूल का ज्ञान है। परदेश में जो हुआ है वो बाहर का वृक्ष है और हमारे देश में इसका मूल बसा हुआ है। अगर हम इस मूल की खोज पूरी तरह से परदेश में नहीं पहुंचाएंगे तो ये जो हमको बढ़ा हुआ प्रगतिशील बाहर का पाश्चिमात्य देश दिखाई देते हैं, ये सारे के सारे डामाडोल स्थिति में है और इनका नाश अवश्य हो जाएगा। इसलिए हमारे ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि हम हिंदुस्तानी इसे प्राप्त करें, इस आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करके और सबके प्रति सहानुभूति रखते हुए सारे संसार के इंसान को मदद करें और उनका उत्थापन करें। कुंडलिनी जिन 6 चक्रों में से गुजरती है वो सब बड़े महत्वपूर्ण हैं और उनकी महत्ता ऐसी है कि जो पहला चक्र है उस चक्र में मनुष्य जब बहुत सोचता है, विचारता है, काम करता है तो उस वक्त इस चक्र में जो शक्ति उसे इस्तेमाल करता है और उसको इस्तेमाल करते वक्त वो ये नहीं देखता है कि उसमें संतुलन नहीं है। जब बहुत ज़्यादा विचारने लग जाता है तो पेट का जो मेद है वो बदल करके और अपने सर मस्तिष्क के लिए, ब्रेन के लिए ग्रे सेल्स बनाने लग जाता है। जब ये कार्य वो एक ही कार्य करने लग जाता है तो बाकी का जो कार्य उसका है, माने उसका लिवर है, उसकी प्लीहा है और उसकी किडनीज है, इन सब पे असर कर जाता है और उस एक तरफ के कार्य की वजह से जो दूसरे कार्य हैं वो बिल्कुल ही बेकार हो जाते हैं
और इसलिए आपको अनेक बीमारी हो जाती हैं, जिनमें से एक तो लीवर की बीमारी हो जाएगी। लीवर की बीमारी तो बहुत ही ख़राब है, जिसको लीवर की बीमारी हो जाती है उसके अंदर इतनी गर्मी आ जाती है कि उसको अस्थमा हो सकता है, उसको हर समय ज़ुकाम रहेगा, उसको ठंड लगेगी, उसको पचन नहीं होगा, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहेगी, वो क्रोधी हो जाएगा। दूसरे है आपका पैंक्रियास, जब उस तरफ ध्यान न हो इस चक्र का तो आपको डायबिटीज़ की बीमारी हो सकती है, मधुमेह की बीमारी हो सकती है, क्योंकि इसका कार्य है कि हमारे अंदर जो हम चीनी आदि लेते हैं, ऐसी जो मीठी चीज़ें हैं, उसको पूरी तरह से पाचन पाचक करके और हमारे ठीक से व्यवस्थित रूप से शरीर में पहुंचा। पर अगर इसके तरफ अगर ध्यान ही नहीं हुआ, इसको शक्ति नहीं मिली, तो ये भी इसी तरह से कमज़ोर हो जाता है। उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है अपनी प्लीहा, जिसे कि स्प्लीन कहते हैं अंग्रेजी में। इसका कार्य होता है कि वो हमारा जो लय है, जीवन की लय, उस लय को चलाने वाले। अब हमारा जीवन लय रहित है, सवेरे जल्दी उठते हैं, अखबार पढ़ते हैं तो एकदम दिमाग ठनक जाता है, उसके बाद फिर और कुछ हो जाता है। हर समय जीवन के प्रति एक तरह से बड़े तेज़ी से दौड़ने की वजह से हमारे जो शरीर है उसमें पूरी समय धक्के लगते रहते हैं। और ख़ास करके ये जो चक्र है, ये चक्र हम ज़्यादा विचारों की ओर अपना कार्य करते रहता है, तो अपनी प्लीहा जो है वो कमज़ोर होती जाती है, और उसमें से जो रक्त पेशियाँ बनती हैं वो लय के साथ नहीं बनती, जैसे कि जिस वक्त कोई ज़रूरत होगी तब नहीं बनती, कभी भी बनने लग जाती। इस तरह से समझ लीजिए कि पागल हुआ ये एक हमारे अंदर ऑर्गन है, और जब ऐसी हालत आ जाती है तो ब्लड कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। फिर जब किडनी पे असर आ जाता है तो हमारे अंदर ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां आ जाती हैं, और जब ये गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो हार्ट अटैक भी आ सकता है। इस तरह से सिर्फ एक चक्र के बिगड़ने से कितनी शारीरिक व्यथाएँ हमारे अंदर आ सकती है, यह आप समझ सकते हैं। इसी प्रकार जब कोई कोई चक्र ऐसे हैं कि जो हमारे मन को देखते हैं, जब वो चक्र खराब हो जाते हैं तो हमें मानसिक तकलीफें हो जाने लग जाती है, लोग पागल हो जाते हैं, लोगों में मानसिक विकृतियां आ जाती हैं, डिप्रेशन आ जाते हैं। लेकिन एक बात को समझना चाहिए कि ये परमात्मा का कार्य है, इसमें कोई पैसा ऐसा नहीं ले सकता है। अगर कोई गुरु आपसे पैसा लेता है तो वो आपका नौकर है, आपका गुरु हो ही नहीं सकता। किसी भी गुरु को पैसा देना बहुत गलत बात है, और गुरु कभी भी आपसे पैसा नहीं लेगा। अगर जो गुरु आपसे पैसा लेता है तो समझ लेना चाहिए कि ये गुरु कभी अगुरु है। हमारे यहाँ अनेक वर्णन है कि संत कौन है और असंत कौन है, गुरु कौन है, अगुरु कौन है, कुगुरु कौन है। लेकिन हम लोग इस कदर अंधश्रद्धा में बह जाते हैं कि कोई भी आदमी जेल से छूट के आए और भगवा वस्त्र पहन करके खड़ा हो जाए तो हम उसके चरणों में जाना शुरू हो जाए, वो आके रास्ते पर बैठ जाए तो हम सोचते हैं कि संत साधु। एक ही लक्षण बताया गया है कि साहिब मिली है सो ही सदगुरु, जो परमात्मा से मिलाता है वही सदगुरु है, और सहयोग में तो आप अपने स्वयं के ही गुरु हो जाते हैं, क्योंकि आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होने से आपका आत्मा ही प्रकाशित करता है आपके चित्त को, और आप सब सत्य को समझने लग जाते हैं। आपके हाथ से चैतन्य की लहरियां बहने लग जाती हैं। इस चैतन्य की लहरियों में 5, 6 और 7 चक्र आपके राइट हैंड में और लेफ्ट हैंड में, फिर इसी तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ऐसे 7 चक्र आपके हाथ में दिखाई देते हैं। जिस वक्त आप किसी के और अपने हाथ करें तो आप फौरन समझ जाएंगे कि इस आदमी के अंदर कौन सा चक्र खराब। फिर आप अपने बारे में भी सोचेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपके अंदर कौन से चक्र खराब है, क्योंकि आपके व्यक्तित्व में आपके नसों पर एक नया आयाम, एक डायमेंशन नया तैयार हो जाता है, जिसे हम कहते हैं सामूहिक चेतना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहा गया हुआ है। यह सामूहिक चेतना में दूसरा कोई रह नहीं जाता, आप दूसरों को भी महसूस करने लग जाते हैं, जैसे कि एक विराट के अंदर हम एक छोटे से कोई हैं, अणु रेणु कहिए, या एक बड़े भारी एक विशाल ऐसे समुद्र में हम एक बूंद मात्र हैं, पर फिर हम समुद्र में एक बूंद से समुद्र ही हो जाते हैं जब हम पूरी तरह से घुल जाते हैं। इसी तरह से आप इस सामूहिकता में इस तरह से घुल जाते हैं कि आप हर एक आदमी को जान सकते हैं कि उसके कौन से चक्रों में दोष है। फिर अगर आप ये समझ लें कि ये दोषों को हम किस तरह से ठीक करें, इसका गहरा सा ज्ञान आपको आ जाए, तो आप स्वयं ही एक
गुरु हो जाते हैं अपने अंदर भी और बाहर भी। लेकिन इसके लिए आपको संसार छोड़ने की ज़रूरत नहीं, उपास तपास वगैरह कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जिस लिए किया था वो सब हो गया। जिस चीज़ के लिए आप सीढ़ियाँ चढ़ते रहे, मेहनत करती रही, जब वो आप अंदर मंजिल में आ गए तो अब आप क्यों सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं? उसके बाद आपको कोई भी ऐसी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं, आप हो गए, आप हो गए। जब मस्त हुए फिर क्या बोले? इस प्रकार सबने इसका वर्णन किया हुआ है कि किस तरह से पार उतर गए संत जनारे। अनेक वर्णन संतों ने किए हुए हैं कि आप इस चीज़ को प्राप्त करें और इसमें आप आनंद को भोगें। परमात्मा चाहते हैं कि आप आनंद को भोगें, वो देना चाहते हैं आपको आनंद, और ये आनंद का स्रोत आपका अपना आत्म तत्व है। बाहर से नहीं, किसी दूसरे से नहीं, अपने ही आत्म तत्व से आप इस आनंद को प्राप्त करते हैं और सत्य को जानते हैं। जो सत्य एकमेव सत्य है, अभी तो सत्य हजार तरह के हैं, कोई कहता ये ठीक है, वो कहता वो ठीक है, किंतु एकमेव सत्य आप जानते हैं जब आप हाथ में ही सब चीज़ जान लेते हैं। 10 आदमी भी आप खड़े कर दीजिए जो सहयोगी हैं और उनकी आंखें बांध दीजिए, किसी आदमी के लिए पूछे इनको क्या तकलीफ है, सब लोग एक ही बात कहेंगे, क्योंकि आप उंगलियों पे वही चीज़ महसूस करेंगे जो इस आदमी में है। तो इसलिए आप एकमेव सत्य को जानते हैं और उस आनंद को प्राप्त करते हैं जो कहा जाता है कि आत्मा ये आनंद का स्रोत है, ये सिद्ध होता है। परमात्मा है या नहीं ये भी सिद्ध हो सकता है। समझ लीजिए आप ऐसे हाथ करके पूछें कि परमात्मा है या नहीं, एकदम से आपके हाथ में चैतन्य की ठंडी ठंडी लहरें आने लग जाएंगी। और अगर आप किसी गलत आदमी के लिए पूछें कि ये आदमी सच्चा है, तो फौरन आपके हाथ में गर्मी आ जाएगी, कभी कभी तो ऐसा लगेगा कि जैसे जलन सी हो रही। इस तरह से आप हर सत्य को जान सकते हैं, और इसीलिए आप जानते हैं कि बहुत से डॉक्टर लोगों ने भी इस पर बड़ी मेहनत की है, और दिल्ली में 2 डॉक्टरों को MD मिल गई, जहाँ पर कि उन्होंने ऐसे विषय, अस्थमा जैसा विषय और एपिलेप्सी और शारीरिक बहुत सारी और बातों पर रिसर्च किया है, और उस अनुसंधान में उनको MD की पदवी मिल गई। आज रशिया में भी बहुत ज़ोरों में कार्य होता है, 40 देशों में ये कार्य हो रहा है, और जो हमारा देश है जहाँ पर कि शक्ति के हर जगह मंदिर खड़े हुए हैं, ये सारा शक्ति का कार्य है। परमात्मा तो सिर्फ सब तमाशा देख रहे हैं शक्ति का, वो तो देख रहे हैं कि आप लोग कहाँ तक ठीक चलते हैं और कहाँ तक आत्म साक्षात्कार प्राप्त करते हैं। मेहनत तो सब शक्ति को ही करनी पड़ती है, और ये सारे अपनी शक्ति का, आदिशक्ति के इस प्रतिबिंब का कार्य है, जिसे हम लोग कुंडलिनी कहते हैं, इसे आप लोग सब सहज में प्राप्त कर सकते हैं। हम चाहेंगे कि आप हमसे 1-2 सवाल पूछें तो अच्छा रहेगा, नहीं तो ध्यान करते वक्त एकदम आपका चित्त उस तरफ नहीं जाना चाहिए कि मैंने ये सवाल नहीं पूछा, माँ से मैंने वो सवाल नहीं पूछा, क्योंकि विषय बहुत गहन है और बहुत विस्तार पूर्वक तरीके से मैंने हिंदी भाषा में ही न जाने कितने लेक्चर्स दिए, अंग्रेजी में भी हज़ारों लेक्चर दिए, मराठी में भी हज़ारों लेक्चर्स दिए, वो सब के टेप्स हैं, आप सब ले सकते हैं और उनको सुन सकते हैं। किंतु वो सब ज्ञान जानने से पहले मैं सोचती हूँ आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना चाहिए। जैसे यहाँ हज़ारों बत्तियाँ लगी हुई हैं, और आप अगर चाहें तो हम कहेंगे अच्छा एक ये स्विच है, इसे दबाओ सारी बत्तियाँ जल जाएंगी। इसी प्रकार आपके अंदर आत्म प्रकाश जागृत हो सकता है। लेकिन अगर हम आपको बताने लगें कि ये इलेक्ट्रिसिटी कब बनी थी, ये कैसे आया, इसका सारा इतिहास बताएं, फिर जयपुर में कब आई, अब ये कहाँ से आ रही, तो ये तो सरदर्द की बात है। उससे अच्छा ये है कि आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें और उसी प्रकाश में हर एक चीज़ को देखें। और वैसे भी अंधकार में अगर कोई मनुष्य एक सांप को लेकर खड़ा हुआ है और उसे कहा जाए कि तेरे हाथ में सांप है, तो कभी नहीं सुनेगा, जिद में आ जाएगा, कहेगा नहीं ये तो मेरे हाथ में रस्सी है। पर जैसे ही प्रकाश आ जाएगा वो अपने आप ही छोड़ देगा उसे। उसी प्रकार आत्म प्रकाश आते ही मनुष्य अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ देता, उसका स्वभाव ही परिवर्तित हो जाता। तो ये सारे संसार के परिवर्तन का, उत्क्रांति का एक चरम लक्ष्य है जिसे प्राप्त करना है, और इसके लिए सबसे बड़ा हमारा देश जो है ये योग भूमि, महान योग भूमि का है, और इसमें आप बहुत ही योग्य लोग हैं जो पैदा हो सकते हैं। ऐसे वैसे लोग इस देश में पैदा नहीं हो सकते, इसलिए मैं कहती हूँ कि खासकर राजस्थान में तो विशेष रूप से शक्ति का इतना ज़्यादा मान है और लोग इतना मानते हैं, और नवरात्रि में ही मैं यहाँ पहुँची हुई हूँ। आशा है कि आज जयपुर के सब लोगों को ही, जहाँ यहाँ जो उपस्थित हैं, सब लोग इसे प्राप्त करेंगे और अपने आत्म साक्षात्कार को समझ करके, और आगे जो कुछ भी इसके ऊपर में
समझाया जाएगा, उसे समझ करके एक एक महान वृक्ष की तरह खड़े हो जाए। सहज में जैसे कि एक जीवंत प्रक्रिया होती है कि एक बीज को आप जमीन में छोड़ दीजिए, तो इस भूमि की मातृत्व के वजह से वो अपने आप ही अंकुरित हो जाता है, उसी प्रकार आपकी कुंडलिनी भी सहज में जागृत हो जाएगी, पर उसको वृक्ष बनाना मात्र आपके हाथ में है। आप सबको मैं वंदन करती हूँ और चाहती हूँ कि आप सब अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो। किंतु अगर आपको कोई प्रश्न हो तो ज़रूर पूछें, क्योंकि ये स्वतंत्र कार्य है और किसी पे ज़बरदस्ती नहीं हो सकती। और दूसरी बात ये भी है कि प्रश्न का उत्तर देने से, मैं उत्तर देने में बहुत होशियार हूँ, लेकिन उत्तर मिलने से भी आपकी कुंडलिनी जागृत होगी ये उसकी गारंटी नहीं, जिसकी होगी उसकी ही होगी। किसी को प्रश्न हो तो ज़रूर पूछें, उसका मैं ज़रूर उत्तर दूंगी, लेकिन उससे आपकी कुंडलिनी जागृत होगी इसकी कोई गारंटी नहीं। सिर्फ ये है कि आपकी सबकी कुंडलिनी जागृत होना चाहिए, ये हमारी परम इच्छा है, और आपकी भी शुद्ध इच्छा यही होनी चाहिए कि हमारी कुंडलिनी जागृत हो जाए और हम इस योग को प्राप्त हों। आजकल का जो राजयोग है या हठ योग है, वो वास्तविक में राजयोग भी नहीं और हठ योग भी नहीं। हठ योग पतंजलि ने हजारों वर्ष पूर्व लिखा था, और उसमें से आजकल का जो हठ योग है वो यम नियम के एक अष्टांग में का इतना सा एक छोटा सा हिस्सा है। उन्होंने ये नहीं लिखा था कि आप सब तरह के व्यायाम करते रहिए। हम लोग तो इस तरह से व्यायाम करते हैं जैसे कि एक दवा के संदूकची में से सारी की सारी दवाइयाँ ले लें, उसके बारे में हमें कुछ ज्ञात नहीं है। लेकिन जब कुंडलिनी का जागरण होता है तब आप समझते हैं कि कौन से चक्र पे आपको तकलीफ है, और कोई शारीरिक तकलीफ है उसे अगर आपको ठीक करना है तब उसी प्रकार का हठ योग करना चाहिए, वही एक आसन करना चाहिए। बेकार में हर आसन करने की ज़रूरत नहीं, पर वास्तविक में अष्टांग योग में उन्होंने बताया हुआ है कि ये सारा कुछ आपको ले जाता है निर्विचार समाधि की ओर, और उसके बाद आपको ले जाता है निर्विकल्प समाधि की ओर। तो सहज योग सारा वो है, लेकिन इतना लंबा चौड़ा नहीं है। आजकल ज़माना जो है गतिशील हो गया है, इसलिए बहुत जल्दी घटित होता है, यही आजकल का वरदान है। बताती हूँ मैं, राजयोग के माध्यम से कुंडलिनी जागृत नहीं हो सकती, क्योंकि जो आजकल का राजयोग है वो असली राजयोग नहीं। ज़रा समझा दीजिए, एक मिनट समझ लीजिए ज़रा सा समाधान। देखिए, जब कुंडलिनी जागृत होती है तो एक एक चक्र से गुजरती है, और जब वो एक चक्र को लांघ जाती है तो वो चक्र जो है वो संकुचित हो जाता है, जिसे ऑगमेंटेशन कहते हैं अंग्रेजी में, वो संकुचित हो जाता है जिससे कुंडलिनी नीचे ना आए। फिर जब वो ऊपर चक्र पे जाती है तो फिर दूसरा चक्र संकुचित होकर उसे रोकता है, इसको ही बंद कहते हैं, और वो ऐसे बंद पड़ते जाते हैं अपने आप जब कुंडलिनी जागृत होती है। जैसे कि आपने मोटर जब शुरू की तो उसकी मशीनरी अपने आप चलने लगी सहज में, लेकिन आजकल का जो राजयोग है ये ज़बरदस्ती का राम राम, माने ये कि मोटर तो चला ही नहीं और आप अपनी स्टेयरिंग व्हील घुमा रहे हैं या उसका चक्का घुमा रहे हैं, उससे मोटर चलेगी? पहले मोटर चलानी चाहिए, पहले आपको कुंडलिनी जागृत करनी चाहिए। कुंडलिनी जागृत करने के बाद आप देखते हैं कि अपने आप ही यह कार्य होता है, क्योंकि आपके अंदर सारी मशीनरी बनी हुई है। इसको ज़बरदस्ती करने से मशीनरी टूट जाती है। यहाँ तक कि राजयोग में मैंने देखा है, अमेरिका में कैलिफोर्निया में कुछ डॉक्टर्स हैं जिनको मैं जानती थी, उनकी जीभ काट दी गई, उनके जीभ के नीचे का ततवा काट दिया गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि खेचड़ी मुद्रा होती है तो इसको जीभ को पीछे ले जाना चाहिए। ये सब अपने आप ही घटित होता है। जब आपकी कुंडलिनी चढ़ेगी तो आपकी जीभ अंदर की तरफ खींचेगी, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा। परमात्मा जो बनाने वाले हैं वो इतने कारीगर हैं, इतने होशियार हैं, वो कह इस तरह से हम लोगों को बनाएंगे, इतना बढ़िया बना रखा है, हम लोग जानते नहीं कि हम क्या चीज़ है। हम लोगों को तो पता ही नहीं कि हम कितने गौरवशाली हैं। जैसे कि एक टेलीविज़न का एक बक्सा आप लेकर किसी बिल्कुल देहात में जंगल में चले जाएं, जिन्होंने कभी देखा नहीं, उनसे कहें कि इसमें हर तरह के चित्र आ सकते हैं, तो कोई विश्वास नहीं करेगा। लेकिन जब उसका कनेक्शन लग जाएगा मेंस के साथ तो देखते हैं कि अरे कमाल की चीज़। इसी तरह से आपका जब कनेक्शन मेंस से लग जाता है तब आप देखते हैं कि आप कितने गौरवशाली हैं, आप में कितनी शक्ति है, आप कितने महान हैं। लेकिन पहले ये योग घटित होना चाहिए। उससे पहले जो राजयोग होता है ये ज़बरदस्ती चीज़ है, ऐसे कुछ करने से कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ ये सहज में ही हो सकता है।
पहले किया है, लेकिन जो राजयोग वही हम राजयोग कर रहे हैं सारा बताया। अरे भाई उन्होंने भी किया है और मैं ये कह रही हूँ मैं भी कर रही हूँ हाँ, लेकिन वो राजयोग सहज होना चाहिए, जबरदस्ती का नहीं कि आप जीभ काट के अंदर मत डालिए, अपने आप काम हो जाएगा, फर्क कितना ही है। देखिए आप लोगों को राजयोग में जाना है तो वो राजयोग मैं नहीं कर रही हूँ, ये तो सहज योग में जो राजयोग होता वही होगा, और जिसे आत्म साक्षात्कार लेना है वो यहाँ बैठे। मैं कोई यहाँ इलेक्शन लड़ने नहीं आई हूँ, आपकी अपनी चीज आपको देने आई हूँ, अगर आपको प्राप्त करना हो तो आप यहाँ बैठिए, और नहीं तो बेकार है आप लोगों से बात करना। अगर आपको राजयोग में विश्वास है तो आप राजयोग में जाइए। अबे कोई से भी प्रश्न आप पूछते हैं ये अच्छी बात है एक तरह से, क्योंकि और किसी गुरु के पास आप जाके कुछ नहीं प्रश्न पूछ सकते। वो जो गंडा दे दे, तावीज़ दे दे, कुछ दे दे, गले में फौरन पहन लेते, कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता। ये अच्छी बात है कि आप सवाल पूछ सकते हैं हमसे, अगर आप सवाल पूछेंगे तो डंडा मारेगा वो आपको और पैसा आपसे दूर और ले लेगा। लेकिन आप इसकी एक बात तो सिद्ध होती कि आपकी स्वतंत्रता हम मानते हैं, आपकी सत्ता को हम मानते हैं, किंतु स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप स्व के तंत्र को न जाने। पहले स्व के तंत्र को जान लीजिए, जो स्व का तंत्र है वो है आपके आत्मा का तंत्र, उसे जानने के बाद आप वास्तविक स्वतंत्र हो जाएंगे। अभी नहीं है, अभी तो आप कोई गुस्से में आ रहे हैं, कोई किस पढ़ा लिखा है उस पढ़े लिखे पर आ रहे हैं। कबीर दास जी ने इस पर कहा है कि पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भए। पहले मैं छोटी थी समझते नहीं थे, पढ़ पढ़ के पंडित मूर्ख कैसे हो जाएंगे, लेकिन अब बहुत मैंने देखे ऐसे पढ़त मूर्ख बहुत देखे, जो उन्होंने ये किताब पढ़ ली वो किताब पढ़ ली, उसका कोई अनुभव नहीं कुछ नहीं, वो दिमाग में बैठ गई वो उसी को लेकर चल दी। अनुभव सिद्ध होना चाहिए, हर एक चीज अनुभव सिद्ध होना चाहिए। हम तो यही चाहेंगे कि आपको इसका अनुभव प्राप्त हो, और एक माँ की दृष्टि से हम यही कहेंगे कि बेटे तुमने इतने धंधे किए, तुमने प्राप्त क्या किया, प्राप्त क्या किया, तुमने अभी कुछ प्राप्त नहीं किया, सो उसे नम्र भाव से प्राप्त कर लो। ये बहुत जरूरी है कि आपकी अपनी शक्ति अपने अंदर निहित है, और उसे प्राप्त करने में भी हम लोग सकुचा रहे हैं। जब हमारे अंदर ये सब संपत्ति और खजाना भरा हुआ है तो उसको पाने में हम, ये तो बड़ी नासमझी की बात है। अरे बेटे इसका मापदंड यह है कि हुई कि नहीं हुई, बस और क्या, मतलब क्यों नहीं होगी उनकी जिनकी नहीं होगी। सबकी होगी, लेकिन आज ही सबकी हो ना हो, होना तो सबकी है। अच्छा इसमें मत घबराओ, तुम्हारी तो पहले होगी, चलो बैठो। मेरा मतलब यह है कि किसी किसी की नहीं भी हो तो हो जाएगी, क्योंकि किसी के अंदर कोई शारीरिक दुख हो, किसी के अंदर कोई मानसिक त्रास हो, किसी के अंदर कोई बाधाएं हो, या किसी ने कोई गलत गुरु के चरण पकड़े हो, तो इन सब से रुकावट तो होगी ना, थोड़ी सी होगी कि नहीं, तो वो साफ हो जाने पर कुंडलिनी फिर ठीक हो जाएगी। मध्य मार्ग से उठती है अति सूक्ष्म ऐसी ब्रह्म नाड़ी में से कुंडलिनी उठती है, लेकिन कभी कभी बीच में बाधाएं आ जाने से रुक जाती है, कोई हर्ज नहीं। जब वो बाधा हटा दी जाएगी तो सबकी जागृति हो जाएगी। आज तक हमने ऐसा कोई नहीं देखा जो सहयोग में आता रहे और उसकी जागृति नहीं, आज नहीं होगी तो कल। हाँ हाँ जरूर होगी, तुम्हारी तो पहले होगी, ऐसे होना चाहिए, ऐसे लोग हो तो काम बन जाता है। अरे लोग बैठे तो सही, यहाँ तो शांति रहे। समाधि पाना है, अभी बताया ना आपसे कि निर्विचार रजनीश की समाधि योग सही है या नहीं। कह रहे रजनीश की समाधि योग सही है या नहीं। हे भगवान, किसका नाम लिया,
कम से कम गोविंद जी के मंदिर में तो ऐसे आदमी का नाम ही नहीं लेना चाहिए। बेटा सब झूठ है, सब झूठ है, बहुत उसने झूठ फैलाया। वही हमारे पीछे लगा हुआ था, उसको जमीन चाहिए थी, तो मेरे पति शास्त्री जी के साथ थे ना, शास्त्री जी के साथ उनके सेक्रेटरी थे, तो वो जमीन चाह रहा था, तो बेकार में वो मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि मुझे जमीन दीजिए, जमीन दीजिए, और कोई बात। आप भी तो शिष्य थी ना रजनीश की। जी मैं तो नहीं थी भाई, तुमने देखा क्या मुझे वहाँ? मैंने तो इन सभी गुरु घंटालों को हाँ ठीक बात है, बात करने दो, बात कोई हर्ज नहीं, मैं बताती हूँ, हाँ मैं बताती हूँ, हाँ मैं बताती हूँ, बात सुनो तो सही। हाँ देखो, मैंने सारे जितने गुरु लोग हैं सबको जाके देखा, एक एक, और सबको पड़ताला है ये क्या चीज है, देखना ही पड़ता है। Thank you.